बड़ी खबर शहडोल से है, जहां बंसिका पटेल हत्याकांड के आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। तो वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जो केस दर्ज करेगा। 15 वर्षीय बच्ची थी बंसिका पटेल, जिसकी हत्या हुई है ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। लगातार वह दर दर भटक रहे थे, उन्हें न्याय मिले और आखिरकार अब उनकी सुनवाई शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने भी जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से फोन लाइन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि केस रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। तो एक निष्पक्ष जांच की यहां पर जो आश है वह अब निकलकर सामने आ रही है। केस हम रजिस्टर करा रहे हैं ना? जी सर, रजिस्टर हत्या का सर। हाँ, वो अभी अभी परीक्षण करके करेंगे, आज करेंगे हम ना। जी सर। ठीक ठीक थैंक यू सर जी। अपन पिछले बार 15 दिन पहले आई साहब के यहाँ शिकायत देने आए थे, मेरी पुत्री बंसिका पटेल जिसकी मृत्यु 3 तारीख को हुई है, बगल के मकान में रामकिशोर पटेल शिक्षक जो हैं उनके यहाँ परिस्थितिजन्य तरीके से उसकी लाश मिली है सेपरेट अंग में, जो पूर्ण रूप से हत्या है, जिसको TI बुढ़ार द्वारा और चिकित्सकों द्वारा जो PM रिपोर्ट तैयार की गई है वो भी शंकास्पद है, और आज दिनांक तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो मैं जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही हो, मैं उसी के लिए आज साहब के यहाँ आवेदन देने आया था। हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध हो और जो भी मुजरिम हो उनको सज़ा मिले। दिनांक 3 जुलाई 2020 को हमारे अधिवक्ता संघ कोतमा के सदस्य श्री ब्रजकिशोर पटेल जी की पुत्री वंशिका पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है ग्राम पड़रिया में, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि ये घटना पूरी तरह से हत्या है। लेकिन वहाँ के चिकित्सक और पुलिस थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान और चौकी प्रभारी, इन दोनों की मिलीभगत से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस हत्या जैसे जघन्य अपराध को ये लोग दुर्घटना करार करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि इस संबंध में और इसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है, यदि इस संबंध में तत्काल कोई कार्रवाई IG साहब नहीं करते हैं तो हम आंदोलन सत्याग्रह के लिए अग्रसर होंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।